शिवराज कैबिनेट की बैठक मंत्रालय में संपन्न हुई। इस बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की। बैठक में कई प्रस्ताव चर्चा के लिए आए। उन प्रस्तावों पर चर्चा करने के बाद कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। संसदीय कार्य मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि ओमकारेश्वर में 600 मेगावाट और छतरपुर में सौर ऊर्जा पार्क के लिए 950 मेगावाट की अनुमति नवीकरणीय ऊर्जा विभाग को दी गई है। इसके अलावा 5 वर्ष के लिए 1363 अस्थायी पदों पर गैस त्रासदी के लिए मंजूरी प्रदान की गई है। इसके अलावा भी शिवराज कैबिनेट द्वारा कई अहम निर्णय लिए गए। एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय में प्रदेश में नवकरणीय ऊर्जा और नवीन ऊर्जा के लिए ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सौर पार्क 600 मेगावाट और छतरपुर में सौर ऊर्जा पार्क 950 मेगावाट बहुत बड़ा है छतरपुर में की अनुमति भी आज कैबिनेट के द्वारा नवकरणीय ऊर्जा विभाग को प्रदान की गई है। ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। माननीय प्रधानमंत्री जो आदर ग्लासगो में आयोजित COP26 सम्मेलन में जो निर्णय हुआ था, आज मध्य प्रदेश ने पहल करके छतरपुर और ओंकारेश्वर में 950 और 600 मेगावाट की स्वीकृति प्रदान की है। आज अस्थाई पदों के लिए 5 वर्ष के लिए भोपाल गैस त्रासदी की निरंतरता 1363 अस्थायी पदों की भी सहमति प्रदान की है। राजधानी परियोजना प्रशासन का विघटन कर अब PWD विभाग में इसका सम्मिलियन करने का भी कैबिनेट के द्वारा तय किया है। जब से मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष गिरीश गौतम बने हैं, तब से उनके द्वारा विधानसभा में लगातार नवाचार किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में गुरुवार को विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने पूर्व विधायकों का सम्मेलन आयोजित किया। ये सम्मेलन विधानसभा सभागार में आयोजित हुआ। इसमें 200 से अधिक पूर्व विधायकों ने हिस्सा लिया। मंच से विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने पूर्व विधायकों के लिए बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि उनके द्वारा सरकार को पूर्व विधायकों को कार्यक्रम के प्रोटोकॉल में शामिल करने के लिए प्रस्ताव भेजा है। इसके अलावा ट्रेनों में रिजर्वेशन, विधायकों के विधायक विश्राम गृह में रुकने की व्यवस्था निःशुल्क करने सहित कई काम किए जा रहे हैं। वहीं पूर्व विधायक एवं मंत्री गौरीशंकर शेजवान ने विधानसभा अध्यक्ष के इस कदम की सराहना करते हुए उन्हें धन्यवाद दिया। ये मेरे लिए खुशी का विषय है कि मैंने जब उनको आमंत्रण दिया तो करीब 270 हमारे पूर्व विधायक यहाँ आए। इससे लिए विधानसभा के लिए इससे बड़ा खुशी का विषय नहीं हो सकता। और कुल मिलाकर के सारे समग्र रूप से विचार करने पर ये आया कि जो सबसे बड़ी मांग उनकी है, जिसमें कोई पैसा नहीं लगना है, प्रोटोकॉल के भीतर पूर्व होने के बाद उनका कहीं जिक्र तक नहीं होता, इसलिए प्रोटोकॉल में उनका भी दर्जा तय हो जाए, चाहे जिस स्थान पर होता प्रोटोकॉल में आ जाए, ये सबसे बड़ी मांग थी। सकारात्मक पहल है। राजनीति में पूर्व होने के बाद जनता की उनसे भी अपेक्षा रहती है, तो उस अपेक्षा को पूर्व विधायक कैसे पूरी करें, तो ये गिरीश गौतम जी की जो पहल है उसमें मददगार होगी। और हम अध्यक्ष जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। ये बहुत सकारात्मक कदम है उनका और ऐसा निरंतर होते रहना चाहिए। इससे जनता के जो काम है और विकास है उसमें लाभ होगा। देखिए, ये तो शब्दावली की अलग अलग व्याख्या है। कुल मिला के सब ये चाहते हैं, अध्यक्ष भी चाहते हैं कि पूर्व विधायकों का सम्मान होना चाहिए और जब वो सक्रिय रहें तो उनको कहीं ना कहीं उनकी सुनवाई होना। मध्य प्रदेश में कोरोना लगातार कमजोर होता जा रहा है। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 141 नए केस मिले हैं, वहीं 654 लोग ठीक होकर अपने घर पहुंचे हैं। ये जानकारी गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने दी है। 141 नए प्रकरण संपूर्ण मध्य प्रदेश के अंदर आए हैं, जबकि ठीक होकर अपने अपने घरों की ओर जाने वाले 654 लोग हैं। संपूर्ण मध्य प्रदेश में अब एक्टिव केस 2,233 बचे हैं। पिछले 24 घंटे में 5,758 लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। आज तक कुल मध्य प्रदेश के अंदर वैक्सीनेशन 11,37,28,205 लोगों का हुआ है।
मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मिशन 2023 तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी कड़ी में उन्होंने संगठन में भी कसावट शुरू कर दी है। उनके द्वारा मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस के अध्यक्ष अर्चना जायसवाल को हटाकर पूर्व महापौर विभा पटेल को मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस की कमान सौंपी गई है। प्रदेश अध्यक्ष का पद मिलने के बाद विभा पटेल प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पहुंची, जहां महिला कार्यकर्ताओं द्वारा उनका फूल मालाओं के साथ स्वागत किया गया। विभा पटेल ने बताया कि प्रदेश में आधी आबादी महिलाओं की है और उस आधी आबादी को सशक्त बनाकर उन्हें कांग्रेस से जोड़कर प्रदेश में सरकार बनाना है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी का आभार व्यक्त करती हूँ। पूर्व मुख्यमंत्री माननीय दिग्विजय सिंह जी का आभार व्यक्त करती हूँ। आदरणीय अजय सिंह जी, अरुण भैया, सभी का मैं आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने संगठन में मुझे एक ये अहम जिम्मेदारी दी है। मेरी कोशिश होगी कि जिस तरीके से और जिस उम्मीद के साथ उनने मुझ पर विश्वास व्यक्त किया है, मैं उस पर खरी उतरूं, कांग्रेस पार्टी के लिए काम करूं और हम महिलाएं जो आधी आबादी मानी जाती हैं, उस आधी आबादी की आवाज़ पूरे सशक्त तरीके से जनता तक पहुंचे, उसकी समस्याओं का हम निराकरण करा पाएं, यही मेरे प्रयास। देखिए, कांग्रेस पार्टी की ये जो आज मुझे जिम्मेदारी दी है, ये आधी आबादी जब हमारा साथ देगी, हम उसकी आवाज़ बनेंगे, तो 2023 में कोई भी नहीं रोक सकता है कांग्रेस पार्टी को सत्ता में आने से। कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लाना ही हमारा मुख्य लक्ष्य है। मध्य प्रदेश जागरूक अधिकारी कर्मचारी संयुक्त समन्वय कल्याण समिति द्वारा 9 मार्च को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। गौरतलब है कि संयुक्त समन्वय कल्याण समिति द्वारा पिछले लंबे समय से 11% महंगाई भत्ता पदोन्नति प्रक्रिया को शीघ्र प्रारंभ करने, पुरानी पेंशन योजना लागू करने सहित कुल 16 सूत्रीय मांगों को लेकर संघर्षरत है। इसे लेकर समिति के प्रदेश अध्यक्ष उदित भदौरिया के नेतृत्व में लगातार आंदोलन किया जा रहा है। इसी कड़ी में 9 मार्च को संपूर्ण मध्य प्रदेश में जिला स्तर पर कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। पुरानी पेंशन बहाली भी हमारे ज्ञापन में शामिल है, जिसमें हमारे आदरणीय डेहरिया जी बहुत पहले से प्रयास कर रहे हैं और हमारे 9 मार्च को जो ज्ञापन देने की प्रक्रिया है, प्रथम चरण है हमारा, इसमें हम पूरे प्रदेश के हर जिले, हर तहसील, हर ब्लॉक में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम जिला अध्यक्ष अपने अपने जिलों में ज्ञापन देंगे, मुख्यमंत्री जी के नाम जिला कलेक्टरों को, जनपद सीओ को, एसडीएम को। 9 सूत्री मांगों में हमारी 11% हमारा जो महंगाई भत्ता है शेष है वो हमें दिया जाए, हमारे जो पदोन्नति के अवसर बंद हैं वो पदोन्नति के अवसर खोले जाएं तत्काल, हमारे जो शिक्षक हैं उनको पदनाम के अनुरूप वेतनमान दे दिया जाए, 6 तारीख को एक बैठक करें, बैठक के बाद ये आंदोलन की घोषणा करें कि हमें क्या करना है। अकेले किसी आंदोलन की घोषणा कोई भी संगठन ना करे, इससे वजन नहीं पड़ेगा, हमारे आदरणीय डेहरिया जी के हम साथ हैं। राजधानी की अशोका गार्डन पुलिस पर माही खान नाम की युवती ने लाठी डंडों से पीटने का आरोप लगाया है। पीड़ित युवती ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि वे 28 फरवरी को अपने दोस्तों के साथ अशोका गार्डन स्थित एक दुकान पर खड़ी थी, तभी कुछ युवकों ने उससे कमेंट पास किया और इसका विरोध करने पर उन युवकों ने मारपीट शुरू कर दी। इसकी सूचना लगते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और पुलिस ने आरोपियों पर कार्रवाई करने की बजाय उन्हें ही लाठी डंडों से पीट दिया। इतना नहीं, जब वह इसकी रिपोर्ट दर्ज कराने थाने पहुंचे तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई, जिसकी शिकायत उन्होंने सीएम हेल्पलाइन से लेकर आला अफसरों तक से की है, लेकिन उनकी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। अश्वर्धन की घटना आएगी, मैं वहाँ पे खड़ी हुई थी, अपने दोस्त का वेट कर रही थी, इतने में कुछ लड़के आए, आके कमेंट पास कर रहे थे, तो मैंने उनको कमेंट पर जिनने पास करा उतने में मेरे साथ दोस्त खड़े हुए थे मेरे, उन सब ने बोला कि नहीं करना था, तो उन लोगों ने इनको मारा, ये साथ में जो मेरे हैं इनको मारा उनने, तो ये जाके अंदर हो गए, अंदर जब गए तो इनका दुकान वालों ने इनका सर फोड़ दिया। उसके बाद जब पुलिस आई तो पुलिस ने आकर मेरे से बदतमीजी करी और रोड पे जब मैं बीच बचाव करवा रही थी तो उनने मुझे डंडे से मारा, जो उनने और गाली गलौज कर रहे थे मेरे साथ पे, बहुत ज़्यादा बदतमीजी भी कर रहे थे वो लोग। थाने में जब गई इनके लिए गई, इनको ज़बरदस्ती लेके गए थे, तो वहाँ पे भी मेरे साथ बदतमीजी करी गई है, वहाँ के कैमरे ऑफ करवाए हैं उनने सारे, और फिर ये जो हैं इनके खिलाफ हमारी तो हमें झूठी रिपोर्ट डलवा दी, इनसे बोल के साइन करवा लिए, और जिसने इनको मारा उनके खिलाफ कुछ भी नहीं है। EMS TV के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, साथ ही EMS News ऐप डाउनलोड करें।